गोरखपुर जनपद विकास के पथ पर काफी अग्रसर है। जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गोरखपुर में एम्स का निर्माण प्रगति पर है, वहीं फर्टिलाइजर खाद कारखाना भी खाद का जल्द ही उत्पाद करेगा। गोरखपुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी तथा 70 गैर सरकारी अस्पतालों में लगभग 2,00,000 लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा सरकार की तमाम योजनाएं जिले में संचालित की जा रही हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बताया कि एक वर्ष में लगभग 20,000 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है तथा इलेक्ट्रिक सिटी कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया गया है। जल्द ही गोरखपुर एक नए लुक में नजर आएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी गोरखपुर के विजेंद्र पांडेन ने कहा, देखिए गोरखपुर में अब देखेंगे पिछले 2 साल में जो इतने सारे योजना चल रही है, तकरीबन इस समय में 40,000 करोड़ का योजना यदि हो चुका है, नहीं तो अभी तो निर्माणाधीन है। इस पर यहाँ जो खासतौर पे एक एक योजना में मैं अब बता दूँ कनेक्टिविटी के बारे में। अब गोरखपुर से जो कितने शहर है, आसपास शहर है, जो यहाँ वाराणसी लें, आज़मगढ़ लें, यहाँ जो आपका महाराजगंज लें, कुशीनगर लें, सारे जो रोड एक्सपेंशन हो रही है, जो 2 लेन 4 लेन में हो रहे हैं, 4 लेन 6 लेन 8 लेन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से सीधे सीधे भारतमाला योजना में जोड़ने के लिए योजना भी तेज़ी से चल रही है इस समय में। उसके साथ साथ यहाँ से लिंक एक्सप्रेसवे, जो वैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहला जाता है, उसी के यहाँ से गोरखपुर से आज़मगढ़ का करीब 90 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे, एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे वर्ल्ड क्लास में जो रूप से बनाने के लिए पूरा योजना हो गया, उस पर हम लोग 70 गाँव से ज़मीन का अधिग्रहण का काम भी प्रारंभ कर दिए। और उसके अलावा जो यहाँ का रिंग रोड है, खासतौर पे जंगल कोड़िया से बाहर बाहर जो शहर के जाने के लिए, और जो हावड़ बंदा का रिंग रोड है, उसके अलावा जो इंटरनल कितने रोड्स है, वो सबका चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण ये सारे चीज़ हो रहा है। यानी कनेक्टिविटी के दिशा में अब देखेंगे गोरखपुर का जो भी शहर से यहाँ से जाना, नहीं तो किसी भी शहर से आना बहुत आसान हो गया। ये तो एक कनेक्टिविटी जो खासतौर पर रोड कनेक्टिविटी का है, दूसरा कनेक्टिविटी एयर कनेक्टिविटी का है। अब देखेंगे अभी तो 4 फ्लाइट फिलहाल अभी चल रहा है, पहले तो मुश्किल से 1 फ्लाइट चलता था केवल एयर इंडिया। अब यह तो दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट है, बेंगलुरु का फ्लाइट प्रारंभ हो गया, और मुंबई का और जो हैदराबाद का फ्लाइट तो अभी तो इसी 1 महीने के अंदर प्रारंभ होने वाली है। कलकत्ता और लखनऊ को भी शहर जोड़ने के लिए योजना प्रारंभ हो गया है, अभी उसका बुकिंग अभी 1 महीने के अंदर हो जाएगा। यानी जो गोरखपुर से और भी जो किसी भी कोने पर आपको भारत में जाना है, तो फिर आपको बस घंटा वक्त का समय लगेगा, उसी टाइप की कनेक्टिविटी बढ़ गया। बाकी बड़े बड़े योजना में अब गिनेंगे तो यहाँ देखिए पूर्वांचल में सबसे बड़ा योजना एम्स है। एम्स तो करीबन 2,000 करोड़ का जो है वो तकरीबन 8 महीने पहले से काम प्रारंभ हुआ, इतने तेजी से एम हुआ है, अब उम्मीद है इसी महीने उसको ओपीडी भी प्रारंभ होने वाली है। वो तो पूर्वांचल का एक तरफ जो मेडिकल हब के रूप से गोरखपुर उभर के आया है, केवल एम्स नहीं है, हम बीआरडी के अंदर भी देखेंगे 8 सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स है, वो बन के तैयार है, वो भी इसी महीने से प्रारंभ हो जाएगा। जो किस चीज़ के लिए बीमारी के लिए जनता लोग तरसते हैं, खासतौर पे जो उनका जो मान लीजिए हार्ट रिलेटेड बीमारी है, किडनी का है, कैंसर ट्रीटमेंट है, बड़े गंभीर बीमारी के लिए कहीं कहीं मरीज़ को एम्स जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, वो समस्या खत्म हो गया है। वो साथ साथ जो सरकार का एक बड़ा योजना है जो आयुष्मान भारत के अंदर, यहाँ गोरखपुर में 3 लाख परिवार को हम लोग आच्छादित किए हैं, उस पर अब 5 लाख तक का फ़ायदा जो भी परिवार किसी भी भारत में किसी भी कोने पर जा करके इलाज कर सकते हैं उसका, मान लीजिए वो एम्स भी जाना है, नहीं तो यहाँ गोरखपुर आकर के जाना है, उसी टाइप का। इस पर अब तक हज़ारों संख्या में अब लोग लाभार्थी का हम लोग लाभान्वित भी करा चुके हैं, उसका संख्या तो बढ़ती जा रही है, और करीबन 70 हॉस्पिटल है यहाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल इस पर रुचि लेते हुए सेवा भी देना प्रारंभ कर दिए। ये एक स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू में तो एक बड़ा अव्वल है ये, जो एक अच्छा काम हुआ है। उसके अलावा जो और अन्य फील्ड में भी देखेंगे, यहाँ देखेंगे रोजगार पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग यहाँ जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री बन रहा है, तो करीबन 8 से 10 हज़ार करोड़ का जो लागत में बन रहा है जापान टेक्नोलॉजी से, ये अभी तो जल्दी 1 साल के अंदर प्रारंभ होने वाली है। उसका गेल पाइपलाइन है, वो दूर से कनेक्ट होके वो पाइपलाइन का लाइन भी बिछ गया है, वो तैयार हो गया। साथ साथ अभी हाल ही में एक योजना है एलपीजी पाइप्ड पेयजल पाइप्ड जो कनेक्शन है, पाइप डोमेस्टिक जो सिलेंडर बनाने के कनेक्शन है, वो भी करीब 3,000 करोड़ में प्रारंभ हो गया है। उसका जो माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे उसी का उनका करकमलों द्वारा से हम लोग उसको योजना का प्रारंभ भी करेंगे। ये जो कनेक्टिविटी के बारे में, यानी जो खासतौर पे जो इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो कितने बढ़ावा देना है उसी का है। और साथ साथ जो गीड़ा में आसपास जगह का लैंड बैंक भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल सम्मेलन इन्वेस्टर समिट में करीब 2,000 करोड़ का निवेश गोरखपुर में हुआ है अब तक, उस पर तो तमाम फैक्ट्रियाँ अपने ज़मीन
उसको सेलेक्ट करके वो अपने इंडस्ट्री का प्रारंभ भी करा चुके हैं यहाँ। और इसके अलावा 2 रोज़गार मेला हम लोग किए हैं, अब तक 20,000 लोगों का नौकरी हम लोग 1 साल के अंदर दिलवाए। उसके बाद अगले महीने भी एक रोज़गार मेला लगाने के लिए प्रस्तावित है। उसी दिशा पर हम लोग रोज़गार जो कितने लोग का भी ज़रूरत है उसी हिसाब से हम लोग का डेटाबेस भी मेनटेन है। 50,000 का जो इस समय का जो बेरोज़गार लोगों का सूची हमारा पास है उससे 20,000 लोगों का हम लोग नौकरी दे चुके हैं। बाकी 30,000 लोग के भी जल्दी से जल्दी नौकरी हम लोग दिला देंगे, उसी स्थिति पे है। और बाकी योजना में भी देखेंगे जो पेंशन धारक योजना है, यहाँ तो 3 तरह का पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। उस पर भी हम लोग कैंप के जरिए से अब तक जो हम लोग वृद्धा पेंशन है तकरीबन 40,000 लोग वृद्धा पेंशन ले रहे हैं। उसके अलावा विकलांग जन है, एक जन भी 18 साल के ऊपर जो विकलांग जन है उनका हम लोग छोड़ा नहीं है, उनको भी शामिल करते हुए प्रति महीने 500 रुपया के दर से हम लोग उनका पेंशन भी दिलाएँ। उसके अलावा विधवा महिला है, जो निराश्रित महिला है, उन्हीं लोगों को भी शामिल करते हुए किसी महिला को भी नहीं छोड़े हम लोग, समय समय पर कैंप भी लगाते रहते हैं। उसके अलावा सरकार 2 महत्वपूर्ण योजना है, एक सौभाग्य योजना है। सौभाग्य योजना के अंदर निशुल्क बिजली कनेक्शन देना था, हम लोग पूरे गोरखपुर का आच्छादित कर चुके हैं, एक भी मजरा अभी छूटा नहीं है। यहाँ जो जगह जगह पर हर लोग का हम लोग मुफ्त कनेक्शन दे चुके हैं। वैसे हम लोग का 1.5 लाख का टारगेट है, बट हम लोग 2 लाख के ऊपर अचीव करा चुके हैं। उसके अलावा जो कहाँ कहाँ जो मजरा, जो मान लीजिए छोटी छोटी कस्बा है वो भी छूटा हुआ है, उसको हम लोग फील्ड ऑफिसर के जरिए से सर्वे कर रहे हैं ताकि तो इसी महीने तक यानी फरवरी तक कोई छूटा हुआ व्यक्ति यदि तो जाने अनजाने में उनको भी शामिल करते हुए हम लोग पूरा योजना का आच्छादित करते हैं उसको। उसके अलावा ये उज्ज्वला योजना है, जानते हैं उस पर, उसी के अंदर जो फ्री सिलेंडर कनेक्शन एलपीजी कनेक्शन तो मिलता है उनका परिवार का, उसी के अंदर हमें कैंप के जरिए से लगभग जो कितने पात्र लाभार्थी सबको कवर कर चुके हैं। और जो समय समय पर जो भी भिन्न योजना है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, उसी के अंदर जो कितने लाभार्थी को हम लोग लाभान्वित करा सकते हैं उस हिसाब से हम लोग लाभान्वित करा चुके हैं। और बाकी जो अभी प्रगति पे है गोरखपुर, अब देखेंगे तो 6-7 महीने के बाद जो गोरखपुर पहले का गोरखपुर अभी का गोरखपुर का बिल्कुल अलग नज़रिया में नज़र आएगा, एक उबलता हुआ विकसित गोरखपुर आपको 1 साल के अंदर देखने के लिए मिलेगा।